और मेरा ये वाला दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ, मतलब अभी मैं कर रहा हूँ सर तो मेरे को बहुत ज्यादा दर्द कर रही है, पता नहीं क्यों। और यहाँ देखो कितना मस्ती कर रहा हूँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। Hey guys, what's up? Welcome back to my vlog. And as Friday, चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए और मैं रेडी हो चुका हूँ। हाफ मैंने इसलिए पहना क्योंकि फुल कपड़ा मेरे को मिल नहीं रहा था, पर चलते क्योंकि नमाज छूटना नहीं चाहिए, थोड़ा लेट भी हो चुका है तो नमाज पढ़ने चलते हैं। सो गाइस चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, और जुमा के दिन यही अच्छा रहता है, पूरा सन्नाटा रहता है, पूरा खाली रहता है, हर कोई मस्जिद में होते हैं या फिर मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने के लिए। कपूर गली मस्जिद की नमाज भी हो गई है, मैं जहाँ पढ़ने आता हूँ वहाँ 1:15 में होता है, पक्का 1:15 हो रहा है, पता नहीं यार, मतलब स्टार्ट हो गया नमाज भी। सुबह से नमाज हो चुकी है और काम हुई, मैं इतना लेट से आइएगा, हाँ इतना लेट से बाद में नमाज पढ़ा देना, एक रिकात छूट जाने के बाद, एक रिकात छूट जाने के बाद आइएगा, इतना लेट आइएगा आप लोग, ऐसा करिएगा बताइए। सुबह से नमाज हो चुकी है और मेरा एक रिकात छूट चुका था, इसलिए हम लोग मतलब मेरे को आपस में पढ़ना पड़ा, खुद से इसलिए थोड़ा लेट हो गया, बस तो खाली भी हो गए। और यहाँ देखो कितना मस्ती कर रहा हूँ, इधर आओ इधर आओ इधर 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 चलते हैं घर। तो अब चलते हैं सीधा घर, अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर अपना नमाज हो चुका है, सुन्नत सुन्नत पढ़ चुके हैं हम लोग, और मेरा ये गर्दन बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा, बहुत ही ज़्यादा, मैं वापस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दर्द करेगा तो कहाँ जा पाऊँगा मैं, ये पेन की वजह से ना जाना थोड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज इसी गर्दन पर घुमा नहीं पा रहे यार, बहुत दिक्कत है। सुबह दुकान आ चुके हैं, मुझे चाबी जल्दी दीजिए, जल्दी दीजिए एकदम। माशाअल्लाह क्या मौसम है, हवा भी चल रहा है, गर्मी भी नहीं है, एकदम साफ आसमान है, और बहुत खूबसूरत सा मौसम है। अस्सलाम वालेकुम, नाश्ता में क्या भैया? रोटी चिकन भले का रोटी चिकन है। सुबह चलते हैं नीचे, और ये रहा एक और लिए जो कि गेट के पास है, और यहाँ से जाके देखो कितना खतरनाक देख रहा है। और मेरा ये वाला दर्द अभी तक खत्म नहीं हुआ, मतलब अभी मैं तो कर रहा हूँ सर तो मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है, पता नहीं क्यों। सर आज दुकान आ चुके हैं, चाबी मांगे थे दोबारा दुकान में, घर मुझे वैसे पूछे, वही मैं दुकान में चाबी का नाम लिए नहीं कदम से। सो आज तभी मैं नीचे में हुआ गाड़ी तो मेरे को मिला नहीं, बिकॉज चाबी जो है मोहिम भाई घर लेके आ चुके थे, जो कि मैंने ध्यान नहीं दिया, क्या कर रहा भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एस मार्केट के पास, और शायद उससे तो कुछ नाश्ता करेंगे, उससे पहले दोस्तों को बुला लिया जाए, अंधेरा बहुत ज़्यादा है बिकॉज यहाँ कोई लाइट ही नहीं है, ठीक है, लाइट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। राघव प्लाजा, ओए चले राघव प्लाजा। तो आज तो हम लोग एस मार्केट पर पीछे छोड़ चुके हैं, कुछ मिल नहीं रहा बच्चा, आज अजीब सन्नाटा है, सन्नाटा लग रहा है। बाकी दादा चलो बाकी जाओ, यहाँ से निकलो तुम लोग, वापस आना मत, कब आएगा कल आएगा, कल वहाँ आएंगे सुबह सुबह। सो गाइस तो मैगी ले चुके हैं, और मैगी लेके चलते हैं सीधा घर, बना के खा लेते हैं यार, मैं बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा, और बिल्ली कहाँ गया, सुबह चलते हैं अब मैगी बना लेने। और यहाँ मैगी बन रहा है, और मैं आज कहीं जा नहीं सकता बिकॉज ये मेरा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, इसलिए मैं कहीं गया भी नहीं, बिकॉज अगर मैं जाता ना और वहाँ और ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाता तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता, इसलिए मैं सोचा क्यों ना मैगी बना कर खा लेते हैं, उसका थोड़ा रेस्ट करते, मम्मी आएगी तो इसका थोड़ा मसाज करवा लेंगे, थोड़ा तेल लगा करके, बिकॉज बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, इसी वजह से मेरा वीडियो अपलोड होने में भी लेट हुआ है, क्योंकि ये दर्द की वजह से मेरे को उठने का मन नहीं कर रहा था, मैंने अभी थोड़ा सा कम हुआ है जिसकी वजह से मैं थोड़ा मैगी वैगी बना के खा लूँगा, उसके बाद बस थोड़ा रेस्ट, और सब कुछ अकेला करना पड़ रहा है, इसीलिए ये थोड़ा स्टैंड जैसा है, अच्छा काम कर रहा है, मैगी बना लेते हैं। मेरा क्या करना चाहिए मालूम है, ब्रेड लेके आना चाहिए था, दूध रखा हुआ था, दूध ब्रेड खा लेते, आज मैंने खाया भी नहीं। एक्स्ट्रा मैगी मसाला लाए थे एक बार, कहाँ रखा हुआ है, एक्स्ट्रा मैगी मसाला मिला के बनाते हैं, और ज्यादा मजा आएगा। मैगी मसाला एक्स्ट्रा, क्या परफेक्ट जगह, कभी तो जरूरत नहीं पड़ा।
क्या बन रहा? जैकी को बना दे रहा हूँ। देख क्या बना, देख क्या क्या है बना तुमको अब, क्यों कैसे देख रहे हो? बना दे क्यों गए? ए ए शांत शांत एकदम। देखे इसी तरीके से मासी करता है, बहुत ज्यादा हो गया मालूम है, हमको लगा नहीं था कितना है। दो पीस 14 रुपये वाला, दो पीस मतलब 28 रुपये वाला, एक प्लेट में चाउमीन का दाम। और ये रहा मेरा मैगी बन के, वो कहते हैं यार चलते हैं अब खाने के लिए, आराम से खा करके थोड़ा रेस्ट करते हैं और मस्त रेस्ट करते हैं। सो गाइस तो पहले चीनी ले लेते हैं घर के लिए, एक किलो चीनी। सो गाइस चलते हैं अब दुकान, सामान तो पहुंचा चुके हैं एंड चाबी लेते हैं, थोड़े दुकान आ चुके हैं और मोहन भाई से बस चाबी लेना है। सो गाइस चलते हैं अभी टिकिया पाड़ा, और वैसे ही बहुत दिन बाद टिकिया पाड़ा जा रहे हैं, और अभी थोड़ा देर पहले मैं सोया हुआ था वो भी अपनी जैकी के साथ, वो अच्छा नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था, सही बात है, बिल्ली का सोना सुकून मिलता है, दर्द कम हुआ इसलिए मैं थोड़ा घूम लेता, बिकॉज मैं सुबह से कुछ किया नहीं था और अभी बस कुछ करने का थोड़ा बहुत मौका मिला तो थोड़ा टिकिया पाड़ा घूम रहे थे, उसके बाद इन शाला घर जा रहे खाना खाएंगे, उसके बाद अम्मी से मसाज करवाएंगे गर्दन का, बहुत दर्द कर रहा है मेरा। जब किस्मत हम लोग को डोमुर्जा ले जा रहा है तो ले आने, तो यार चलते हैं डोमुर्जा ना थोड़ा घूम लेते हैं और क्या, वरना हम तो टिकिया पाड़ा घूम रहे थे, मेरे को खुद नहीं मालूम कहाँ से कहाँ आ गए। अरे मेरे को लगा डोमुर्जा जाने वाले हैं, अबे हमको लगा डोमुर्जा जा रहे, कौन से जगह आ गया, उधर जाना था डोमुर्जा के लिए। अरे तो बोला काहे नहीं। सो गाइस जैसा कि आ चुके हम लोग हावड़ा मैदान, वही वाला डोमुर्जा कैसे आ गया, फिर डोमुर्जा नहीं तो हावड़ा मैदान है। दुकान आ चुके हैं, मोहिन भाई अपना रील्स देख रहे हैं। सो गाइस दुकान आ चुके हैं, चलते अब सीधा घर। और मोहिन भाई कौन सा सूट लिए, शूज़ कैसे बुक करिएगा, देख के बुक करिएगा अच्छा, ब्लैक कलर में, वाइट कलर में, ग्रीन सी वाइट। सो गाइस तो घर आ चुके हैं और चलते हैं अभी पहले खाना खा लेंगे क्या देख। सो गाइस तो वापस से दुकान आ चुके हैं और गाड़ी बंद नहीं हो रहा है, बंद हो गया, वो तो पेपर चिपका हुआ है, दाना फट गया इसलिए खून आ रहा है। साहिल भाई भी आ गए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया था, अभी डर है मेरी बात का, ऑन हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो कॉल किया, आप कॉल उठाए नहीं अभी, तो घर से बुला के लाया बाहर गया। So, आज तक मैं दुकान वापस से आया था बिकॉज ये गाड़ी बंद नहीं हो रहा था उसको देखने के लिए, तो चलो वापस चलते हैं घर। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना, कौन सा पड़ा पसंद है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।